नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे हो सकता है कि हमारे सामाजिक सौहार्द में कुछ कमियां आ जाएं, कुछ हो सकता है कि वो खराब तरीके से सामने हो आए समाज के अंदर। दरअसल दोस्तों, अभी हुआ क्या है कि आसाम की सरकार ने आसाम विधानसभा में जो छुट्टी मिलती थी नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन नमाज ब्रेक के लिए 2 घंटे के लिए, उस 2 घंटे की छुट्टी को अब रोक लगा दी गई है, उसको रद्द कर दिया है। हालांकि ये जो फैसला है ये सभी लोगों की रजामंदी के साथ हुआ है। वहां जो उनकी कमेटी है रूल बुक की, जो रूलिंग रूल बनाती है, जो विधानसभा में रूल बनाती, उसके जो भी सदस्य हैं उसमें अल्पसंख्यक लोग भी हैं, उनकी भी इसमें सहमति है और उन सब की सहमति के बाद इसको रोक लगा दिया गया है। उन्होंने ये, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्व शर्मा जी, उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी विधानसभा के अंदर वो बहुत ही कम थी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी किसी भी तरीके से बढ़े। तो उन्होंने इसकी जो छुट्टी होती थी, ब्रेक होता था 2 घंटे का, उसमें रोक लगाई है। किसी को नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई गई है, नमाज वैसे ही लोग पढ़ सकते हैं जैसे पहले लोग पढ़ते थे, उसमें किसी भी तरह के कोई रोक नहीं है। उनका ये कहना है कि हमको अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम करना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी है हम उतनी मेहनत करेंगे, इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी छुट्टी नहीं चाहिए। ये तो रही दोस्तों एक सही बात जो कि मुख्यमंत्री जी ने बोली है, लेकिन इसमें दूसरे राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई, जिसमें ये सबसे पहले हमें देखने को मिला है आरजेडी से। आरजेडी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने हिमंता बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनको वो एक सम्मानित पद पर हैं, तो उन संवैधानिक पद भी होता है ये, उसमें हैं, उनके लिए ये बोला है कि ये एक चाइनीज़ वर्जन है योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका ये जो कहना है इससे जो एक गलत मैसेज गया है जनता के बीच में, इस पर सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सजाद पूनावाला ने। उन्होंने ये बताया कि तेजस्वी यादव जी जो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ वर्जन है हिमंता बिश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ जी का, तो उनका ये मानसिकता दिखाती है कि ये पूर्वोत्तर के लोगों को चाइनीज़ समझते हैं, उनको अपना मानते नहीं हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है तेजस्वी यादव के लिए। वहीं आपको बता दें कि ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये जो नमाज के लिए जो ब्रेक पर रोक लगा दी गई है 2 घंटे की, तो उसमें भी उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कहते हुए दिखे हैं, उनका भी दर्द इस पर सामने आया है, जो लोगों के सामने वो देखने को मिला है। उन्होंने इसमें भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं और पूछा है कि इस तरह की चीज़ आखिर करने की ज़रूरत थी क्या थी। इससे उनका कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये तो अच्छी चीज़ है, अगर प्रदेश के लिए कार्य हो रहा है तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इससे तो प्रोडक्टिविटी काम की बढ़ेगी, उससे उस प्रदेश के लोगों का भला होगा। जब अच्छे से उनके विधायक लोग काम करेंगे, उनके नेतागण जो भी हैं वो लोग जब प्रदेश में असेंबली में बैठेंगे और उस पर काम करेंगे, तो बनी बात है वो उस प्रदेश के लिए अच्छी ही चीज़ होगी, उसमें कोई बुरी चीज़ तो नहीं होने वाली है, तो ये तो अच्छा है। बल्कि ये जो नमाज के लिए पर्टिकुलर 2 घंटे के टाइम जो दिया जा रहा था ब्रेक के लिए, ये एक तरह से कम्युनल फैसला लगता है। हालांकि मैं इस पर अपना कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक सोच बता रहा हूँ कि ये एक तरह से कम्युनल फैसला लगता है, और इसको अगर रोका गया है तो वो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लिए बराबर सब हो गए। बाकी सभी लोगों को जो छुट्टियां मिलती हैं, जिनके जो पर्व हैं उस हिसाब से पर्व, तो वैसे ही सभी लोगों को छुट्टियां मिल रही हैं। किसी की होली होती है, दिवाली होती है, तो किसी का रमज़ान होता है, किसी की ईद होती है, बकरीद होती है, तो इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं वो तो सभी को लोगों को मिल रही हैं, वैसे ही जैसे पहले मिलती थी आज भी मिल रही हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो फैसला हुआ है इसमें किसी भी तरीके का कोई गलत चीज़ नहीं दिख रही है। जैसे कि हिमंता बिश्व शर्मा जी ने और भी कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जो
अभी तक मैरिजेस हो जाती थी उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया कि अब शादी करिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके पीछे उनका ये तर्क है कि इससे जो छोटी बच्चियों का शादी हो जाती थी, कम से कम उनको एक बालिग हो जाने पर और जो उनकी शादी की उम्र निर्धारित है संविधान के तहत, वो उसके हिसाब से ही उनकी मैरिज हो, ऐसा नहीं हो कि किसी भी उम्र में एक शादी कर दी गई। अब रजिस्ट्रेशन होगा तो बनी हुई बात है, एक तय जो तय उम्र के साथ ही उनकी शादी हो सकती है, उससे पहले नहीं। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है, इसका भरपूर लोगों को स्वागत करना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अब आगे कुछ और होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।